हाँ दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एक्वस HCl, CaCO3 HCl से रिएक्ट करा जिससे मिला CaCl2 एंड CO2 एंड वाटर। व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.7 m HCl, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने ऐसे पूछ रखे कि CaCO3 का कितना मास चाहिए 25 ml HCl से रिएक्शन कराने के लिए, और 25 ml जो HCl है उसका मोलरिटी 0.7 मोल है पर लीटर। ये है क्वेश्चन। तो मतलब CaCO3 है वो HCl से रिएक्शन कर रखा है, बैलेंस रिएक्शन दे रखी है ये, तो यहां पर 1 मोल जो CaCO3 है वो 2 मोल HCl से रिएक्ट कर सकता है, ये तो सामने के सामने अपन को एक चीज दिख रही है। ठीक है, 1 मोल कितने से कर सकता है, 2 मोल से। 1 मोल का मास हो गया इसका कैल्शियम का 100 ग्राम, मतलब ये CA का मास प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन 40 प्लस 12 प्लस 16 से 48 वो 100 ग्राम। तो 100 ग्राम की रिएक्शन के लिए HCl कितना चाहिए, 2 मोल। H का 1 होता है, Cl का 35.5 होता है, तो 36.5 हो गया ये इंटू 2, मतलब 100 ग्राम की रिएक्शन के लिए इतना ग्राम HCl चाहिए। तो पूछ रहे हैं आप ये कितना CaCO3 चाहिए रहेगा दिस मच ऑफ HCl से रिएक्शन के लिए। तो HCl जो है ना उसकी सबसे पहले अपन बात करें तो मोलरिटी दे रखी है अपन को, मोलरिटी का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी अपन को 0.75 दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स अगर अपन निकालना है तो बहुत अच्छा हो जाएगा अपना क्वेश्चन, अच्छे से हो जाएगा। वॉल्यूम लीटर में 25 ml है, तो लीटर में बदलने के लिए 25/1000, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.75 × 25/1000, तो ये अपने पास मोल्स आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे अपने पास मोल, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 100। अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर लें, अगर अपन इसको कैलकुलेट कर लें, 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 75 से, तो वो आ जाएगा अपने पास कितना, 1875 डिवाइड बाय ये 1 2 3 4 5, 5 0 है, तो 1 2 3 4 और एक डिजिट पहले, ऐसे पॉइंट लगा सकते हैं, इतने मोल आ गए किसके, HCl के। मतलब रिएक्शन में कितना HCl इन्वॉल्व हो रखा है, 0.01875 मोल। ठीक है, तो यहां पर अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिए, अपन इस मोल में ये HCl के मोल आए, इसका मास निकाल लें तो बात बन जाएगी, क्योंकि यहां मास रख देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे निकालें इस मोल का मास, एक मोल का मास होता है 36.5 ग्राम, एक मोल HCl का मास कितना दिख रहा है आपको, तो इतने मोल का मास कितना हो जाएगा, 0.01875 मोल का मास कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 36.5 मल्टीप्लाई बाय 0.01875, तो ये मास निकल जाएगा। तो 36.5 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01875 से, तो अपने पास आएगा 0.684, और वो जो 0.684 आया है उसको यहां रख दो, 0.684 ग्राम, इतना HCl है अपने पास। तो मतलब इस लाइन से अपन ने HCl का मास निकाल लिया, इस पूरी लाइन से इधर ये करके पूरा सॉल्यूशन करके मास पता चल गया। बस अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, ये टेबल बन गई और सॉल्व कर देंगे, कैसे करेंगे वो देखिएगा।
इस टेबल को किस तरह से सॉल्व करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, x1 बाय x2 बराबर y1 बाय y2, ये रिलेशन लगा देंगे, 100 बाय x बराबर 36.5 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.684, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 इंटू 0.684 डिवाइड बाय 36.5 इंटू 2, बस इसको अपन को सॉल्व करना है, 100 को मल्टीप्लाई करना है 0.684 से, और जो भी आंसर आए उसको डिवाइड कर देंगे अपन ये नीचे जो दे रखा है उससे, तो अपने को कितना आंसर मिल जाएगा इसको सॉल्व करने पर, 0.93 ग्राम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।